और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान नाइन न्यूज। ये वीडियो आप हमारे को पार्टनर चैनल कहानी वाला से भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं हूँ जसाला में। जिला पंचायत के चेयरमैन के चुनाव की तैयारियाँ हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगा चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी भीड़ आपको नजर आएगी और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता, यहाँ के एमपी और राणा जी और उसी के साथ मंत्री जी यहाँ पर नजर आएंगे, वीरेंद्र जी आपको, और उनके साथ यहाँ पर उनके हजारों कार्यकर्ता भी आपको यहाँ पर दिखेंगे, जो आज जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से कैंडिडेट मधु गुज्जर को जिताने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं किस तरह की तैयारियाँ हैं और क्या विजन लेकर आज ये यहाँ पर जिला पंचायत के चुनाव के लिए आए हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। अच्छा, क्या लगता है सर, ये भीड़ तो यहाँ पर नज़र आ रही है, उत्साह नज़र आ रहा है लोगों में, और जब भी मैं इस जगह पे आता हूँ तो एक यहाँ पर जो ये 84 गांव हैं चौहानों के और आसपास के जो गांव हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी, यहाँ पर आपको हारा हुआ कैंडिडेट भी मिलेगा, जीता हुआ भी मिलेगा, चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन बाद में यहाँ पर आ जाते हैं। अब जिला पंचायत के लिए क्या विजन है आपका? जिला पंचायत का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आज वोटिंग होनी है, उसी के परिप्रेक्ष्य में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि हमारा कैंडिडेट, हमारा पार्टी का जो चुनाव उम्मीदवार है, जो चयन होकर के आया, जिसका समर्थित उम्मीदवार हम लोगों ने, घोषित पार्टी ने किया है, उसको जिताने के लिए उत्सुकता सब लोगों के अंदर बनी हुई है। और मैं समझता हूँ थोड़ी देर बाद वोट डल जाएगा, उसके बाद परिणाम निकल करके आ जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि चुनाव शांतिप्रिय तरीके से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में जहाँ तक पहले सरकारें थी तो चुनाव बड़ा, वो यहाँ पर लटका जोर बड़ा होता था, अब की बार क्या लगता है कि बड़ा शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो जाएगा? चुनाव बड़ा शांतिप्रिय तरीके से होगा, किसी में किसी को भी कोई भी जोर जबरदस्ती, कोई भी दबाव किसी भी प्रकार का नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से वोट डलने लग रही हैं। दूसरे पक्ष ने पहले वोट डालने का अपना अधिकार मांगा है, पहले प्रशासन ने उनको वोट डालने का समय दिया है, उसके बाद हम लोग अपना वोट डालवाने के लिए अभी इनको भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि कितने वोट आपके पास हैं और जीत के लिए लगभग 10 वोट चाहिए, और मैंने सुना है कि 11 वोट आपके पास ऑलरेडी हैं? जी जी, हमारे पास पर्याप्त वोट हैं, जीत के वोट हमारे पास हैं। तो कुछ ही समय बाद पता लगेगा कि आपकी पार्टी से यहाँ पर वोट डल जाने दो, डल जाने के बाद रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा मंत्री जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पहले कयास लगाए जा रहे थे, जब मैं चुनाव कवरेज कर रहा था यहाँ पे, कि हो सकता है कि वीरेंद्र सिंह जी का अलग कैंडिडेट हो जाए, आपका अलग हो जाए, बाहर के लोग ऐसी बातचीत अक्सर करते हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सारे के सारे नेता एक साथ आ गए हैं, जसाला फार्म पे सब नज़र आ रहे हैं। क्या जीत बड़ी होगी, उत्साहित होगी, एक्साइटमेंट और ज़्यादा होगी? नहीं, हम सब एक परिवार के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में परिवार भाव है, परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता, ये अन्य दलों में चलता है, हमारे यहाँ परिवार भाव चलता है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, प्रदीप जी हमारे साथी हैं, मित्र हैं, और हम सब लोग एक साथ रह करके आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के विजन को पूरा करने में लगे हुए हैं। और ये जो उत्साह है और ये जो चुनाव जीत की तरफ हम लोगों का जा रहा है, इसका सबसे बड़ा बेस है आदरणीय मोदी जी का 7 साल का काम और आदरणीय योगी जी का 4.5 साल का काम। जिस तरह से विकास की गंगा पूरे जनपद शामली में लोगों को देखने को मिली है, हर जिला पंचायत सदस्य चाहता है कि मैं विकास के साथ जुड़ूं, वो भी जनप्रतिनिधि है, सम्मानित जनप्रतिनिधि है, वो भी चुन करके आया है, 50,000 से ज़्यादा मतदाताओं का वो नेतृत्व करता है, उसकी इच्छा है अपने क्षेत्र में विकास करूँ, अपने क्षेत्र में सड़कें बनवाऊँ, पानी की व्यवस्था करूँ, अन्य व्यवस्था करूँ, तो उन तमाम चीज़ों को सोच करके वो भी विकास के साथ जुड़ना चाहता है। मैं उन मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ जो आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के विकास के विचार के साथ जुड़े हैं। हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी यहीं खड़े थे, हमारे तमाम नेतागण यहाँ हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर जा रही है, और मैं तो कहूँगा ये विकास की विजय होगी, जनपद का जो विकास है उसकी विजय होगी, और निश्चित रूप से जनपद में विकास होगा। और पश्चिम की जो सबसे बड़ी समस्या थी मेरे छोटे भाई, वो समस्या थी कानून व्यवस्था की। जसाला की आपने कई बार चर्चा की, इधर आप लगातार क्षेत्र में घूमते हो, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, हमारी बहनों का, लड़कियों का स्कूल जाना भी दुभर था, और आज जो कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश को मिली है, उससे हिंदू हो, मुसलमान हो, सब बहुत खुश हैं। सब सोचते हैं कि धार्मिक आधार पर कानून व्यवस्था काम नहीं करती, कानून व्यवस्था सबके लिए काम करती है। एक सवाल आपने पूछा कि भाई लटका तंत्र चलता था, तो भारतीय जनता पार्टी में प्यार का तंत्र चलता है, लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं। अभी सांसद जी ने कहा, कितनी बड़ी बात है कि हमने पहले विपक्ष को मौका दिया वोट डालने का,
उन्होंने कहा हम पहले डालना चाहते हैं, हमने कहा डालिए, आप पहले डालिए। इससे ज़्यादा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो लोकतंत्र में विश्वास है, भाजपा का जो लोकतंत्र में विश्वास है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम जा रहे हैं वोट डालने के लिए। अच्छा, मैं आपसे एक तकनीक जानना चाहता हूँ। भाजपा के पास एक तकनीक है, कैंडिडेट दूसरी पार्टी से जीत जाता है, आ जाता है भाजपा के पास, ये तकनीक कौन सी तकनीक है जो आप लोग यूज करते हैं? आपके कैंडिडेट 4-5 नज़र आते हैं, फिर पता लग जाता है 11 हो गए हैं। नहीं, हमारे पास केवल एक चुंबक है और वो चुंबक है विकास की चुंबक। मैंने कहा कि जो आदमी जीतता है उसके मन में इच्छा रहती है, उसके क्षेत्र का मतदाता उसके ऊपर एक सलाह देता है, कहता है कि भाजपा के साथ जाओ, क्योंकि भाजपा के नेताओं को देखता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे पूर्व मंत्री हैं, मैं स्वयं यहाँ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, सांसद जी लगातार लगे हैं, हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो विकास को समर्पित हैं, इसलिए मतदाता सोचता है कि मुझे विकास के साथ जुड़ना है। और जिला पंचायत के सदस्य भी चाहते हैं, वो क्षेत्र के लोगों से पूछते हैं, राय मशवरा करते हैं हमें कहाँ जाना चाहिए, क्षेत्र के लोग भी कहते हैं विकास वालों के साथ जुड़ो, तो विकास वाले हैं तो भाजपा वाले हैं, बाकी तो सब लठ वाले हैं। आप देखते ही हैं कि वो लठ की राजनीति करना चाहते हैं, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल, विकास वाली एक चुंबक है आपके पास जो लोग खींचे आ जाते हैं दूसरी पार्टी से भी आपके पास। मोदी और योगी एक बड़ी चुंबक है, बड़ी चुंबक विकास है। की एक मैं आपसे भी एक चुंबक के बारे में जानना चाहूंगा, बस एक मिनट, एक चुंबक आपके पास भी है। जब मैं एक मिनट वीरेंद्र जी एक मिनट जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा जितने भी प्रधान थे, या वो हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, सबको चुंबक यहीं पे खींच के ले आती है। ये कौन सी चुंबक है कि पूरा जो एरिया कांधला कैराना शामली का है वो यहीं पे नजर आता है? इस समय दो ही चुंबक है, छोटी बड़ी चुंबक तो माननीय मोदी जी योगी जी, छोटी मैं बड़ी चुंबक थाना भवन में राणा जी की, इधर कांधले में यहाँ है, तो कहाँ जाएंगे? दोनों चुंबक मजबूत है, इसलिए लोग या तो थाना भवन जाएगा। अच्छा, जीत अभी निश्चित मान रहे हैं कि जीत हो जाएगी? हाँ, वैसे तो पता चल जाएगा लेकिन निश्चित होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा यहाँ पर अभी जसाला में मैं हूँ और यहाँ पर जीत निश्चित मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि उनके अपने कैंडिडेट पूरे हो चुके हैं और वो अभी जीतने वाले हैं। हालांकि अभी लोगों से भी हम जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे कि उनकी इस पे क्या राय है, क्या लगता है जो है मंत्री जी का काफिला है, क्या जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, पक्का जीत है। मैंने देखा भी अभी उत्तर 10 के 10 11 जने बैठे थे, 11 कैंडिडेट है, 11 पूरी बढ़िया जीत है, कोई वो नहीं है। दूसरी पार्टी ने बिरादरी के काम पे बांटना काम करा, बिरादरी के बांटने काम करा, 10 के 10 पूरे कैंडिडेट है, जीत पक्की है, जीत पक्की हो जाएगी। देखिए लोगों का भी मानना है कि लोगों का चेहरा पे देख लो आप, खूब उत्साह है, उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए लोगों के। अच्छा, मुजफ्फरनगर जिला था नहीं, शामली से अलग संयुक्त जिला था हमारा मुजफ्फरनगर, उस टाइम पर दो बार त्रस पालिक को बना निर्विरोध बना दिया, बिल्कुल। क्या लगता है कि मंत्री जी अभी जीत जाएंगे? हाँ जी, पूरा विश्वास है। कौन से गांव से आए हैं? डुडार से जी। डुडार गांव से सब लोग मंत्री जी के साथ रहते हैं, सुना है मैंने। पूरा गांव जी, पूरा गांव साथ रहते हैं। डुडार ऊंचा गांव, विकास कर रखा है, बंदे की इतनी नौकरी लगवा रखी हो, कहा जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इनके कार्यकर्ता भी बड़े उत्साहित है, एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं लबालब, और यहाँ पर जीत नजदीक नजर आती है। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। जय हिंद।